तो फाइनली जेके के शाइनिंग स्टार्स के ऑडिशंस उधमपुर में आज खत्म हुए, तो मेरे साथ जजेस हैं, उनसे जानूंगा कि कितना एक्साइटिंग रहा यहाँ का सीन। सर आपका स्वागत है जेके मीडिया लाइव में। जज कर रहे हैं आप काफ़ी अरसा हो गया अब, सर कितना एक्साइटिंग रहा अगर आज की हम बात करें तो? आज का मैं ये कहूँ, इफ़ द एंड इज़ वेल एवरीथिंग इज़ वेल। एग्जैक्टली, तो जितने भी हमने अभी तक ऑडिशंस लिए हैं, मुझे लगता है ये सबसे ऊपर था टैलेंट के मामले में, और मैं बहुत खुश हूँ कि उधमपुर से मुझे ऐसा टैलेंट देखने को मिला है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, अभी अब लगता है ओवर हो जाएगा, बट मैं उधमपुर से ही हूँ, पैदाइश मेरी उधमपुर की, रहता मैं जम्मू में हूँ। तो जम्मू में जितना भी हमें टैलेंट मिला है, जो जहाँ पर भी हमने 7 ऑडिशंस लिए हैं, उन बच्चों के ऊपर ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं। बट टक्कर का मुकाबला भी इन बच्चों के लिए भी, आगे की बात आपने मेरी काट दी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू के ऑडिशंस हैं वो इन बच्चों पर कहीं बारी ना पड़ जाएँ, उस चीज़ से इन बच्चों ने डर के रहना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, मेहनत करनी है, इनके टीचर्स को भी इनके साथ मेहनत करनी चाहिए ताकि ये जम्मू के बच्चों के साथ कम्पीट कर सके। और मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि बच्चे कहीं से भी निकलें, नाम हमारे जेके मीडिया जेके के शाइनिंग स्टार्स का होगा, और हम जेके के शाइनिंग स्टार्स इस तरह के चाहते हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर निकल कर भी हमारा नाम रोशन करें। और फाइनली हम जम्मू आ रहे हैं, जम्मू में ऑडिशंस रहेंगे, सर जो अपने घरों से अभी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उन्हें, जम्मू वालों को? मैं जम्मू वालों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी रिहर्सल्स करवाएं, क्योंकि ये जो कंपटीशन है बहुत ही हाई लेवल पे चला गया है। आज आप मेरे बोलने के अंदाज से भी देख सकते हैं, इन बच्चों को देखकर मेरे में भी एनर्जी डबल हो गई है। तो बच्चे अच्छा करते हैं तो हम लोगों के भी जज्बात ज़्यादा उभर के आते हैं। आपका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे उधमपुर से, आपने कहा मेरा बर्थ उधमपुर पे हुआ है। बिल्कुल, मैं जैसे अभी एक हमारे एक अंश लड़के ने जब डांस किया, तो उसके बाद मैं उनसे मिला था बाहर, तो अंश ने मुझे कहा सर आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मैंने कहा यार नहीं पहचाना, जब मैं इतना सा था तो सीखता था। मैंने कहा बेटा अब इतने से तू इतना हो गया, तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कैसे करूँगा? तो उसने ये कहा कि सर मैंने आपसे 2 महीने पता नहीं कहाँ सीखा हुआ, मुझे अभी तक याद नहीं आया, बट ऐसा लगता है कि चलो मैं जैसे बाहर निकल के मैंने नाम अपना बनाया है, तो और बच्चे अगर उधमपुर से बाहर निकल के आते हैं तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होने वाला। अच्छा, ज़्यादा तो मैं बच्चों से कहूँगा कि एक बार शाउट कर दे जेके की शाइनिंग स्टार, क्योंकि इन्हीं का ये शो है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का। एक बार जोर से बोलो जेके की शाइनिंग स्टार, 1 2 3 गो। जी बिल्कुल, जेके के शाइनिंग स्टार जम्मू आ रहे हैं हम ऑडिशंस लेकर, आप देखते रहिए जेके मीडिया, साइनिंग ऑफ विद साहिल संग्राल, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।